नहीं पता किसी को देखते कि। नामियाती इल्मे कीमिया के अंदर कौन सी चीजें आती है मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक वाला जो लफ्ज है, आपने बहुत सारी मरतबा अलग अलग प्रोडक्ट्स के ताल्लुक से सुनूंगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, फला कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, बिल्कुल नेचुरल होते हैं, हर्बल चीजें होती हैं, मतलब ऐसी चीजें जो कुदरती पेड़ पौधों से बनाई हुई है, मतलब नेचुरल चीजों को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक है। ठीक है, कुछ चीजें केमिकली प्रोसेस आपको मिलेंगी, ये ऑर्गेनिक मंजन, ऑर्गेनिक तेल, ऑर्गेनिक अलग अलग चीजें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का एक जो सादा सा मतलब अवाम के अंदर भी एक बिल्कुल आम सी बात है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता, कुदरती नेचुरल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल्स के बारे में बातें पढ़ना होती जिन केमिकल्स का ताल्लुक कुदरती चीजों से होता है, या फिर हम समझ लिए उसका ताल्लुक जानदारों से होता है, या ऐसे केमिकल जो जानदारों के जरिए से हासिल किए जाते हैं। ये बिल्कुल इब्तदाई दौर के अंदर नामियाती इल्मे कीमिया के ताल्लुक से इसी बात को समझा जाता था कि नामियाती इल्मे कीमिया का ताल्लुक ऐसी केमिस्ट्री से जिसके अंदर कुदरती जानदार, जैसे हम इंसान जानदार, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे मुरक्कबात जैसे डीएनए, प्रोटीन और भी बहुत सारी चीजें, आरएनए है, ठीक, सेल में, तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे जो मुरक्कबात जिससे हमारे जिस्म बने हुए वो हुआ करते थे नामियाती मुरक्कबात। कौन से मुरक्कबात? नामियाती मुरक्कबात। ठीक है, फिर उसी तरीके से दूसरे जानवर भी, वो भी नामियाती मुरक्कबात से बने हुए। इसी तरह से पेड़ पौधे नबातात, इनके अंदर भी नामियाती मुरक्कबात पाए जाते हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत बाद में फिर ये बात आई कि नामियाती मुरक्कबात जो है ये सिर्फ कुदरती तरीके से ही हासिल नहीं होते, बल्कि इनको साइंसी तरीकों से लैब के अंदर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये बहरहाल आगे की बातें हैं जो हम उसको और तफसील के साथ में देखेंगे। तो इतना आप याद रखिए, नामियाती इल्मे कीमिया, फिर इसको इस तरह से इसकी तारीफ की गई कि ये ऐसा इल्मे कीमिया है जिसके अंदर हम कार्बनी मुरक्कबात का मुताला करते हैं। किसका कौन से मुरक्कबात का? कार्बनी मुरक्कबात। कार्बन बोले तो पता है ना आपको, कार्बन आपको पता होगा अनासिर होते हैं बहुत सारे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे, उन्हीं में से एक कौन होता है? कार्बन। ठीक है, तो ऐसे मुरक्कबात जिनमें कार्बन मौजूद हो उनका मुताला किया जाता है नामियाती इल्मे कीमिया। ठीक है, अब गैर नामियाती इल्मे कीमिया, इसको भी अगर हम समझ लें, ये नामियाती का उल्टा हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, नामियाती गैर नामियाती। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल पता है? पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग अनासिर को तकसीम किया जाता है, आपने देखा होगा वो हाइड्रोजन लिखा हुआ रहता है, यहाँ इधर आ रहा था हेलियम, फिर ये लिथियम, बेरिलियम, आगे पूरा फिर अनासिर की तकसीम की होती है, जितने भी अनासिर है टोटल हमारे पास में 118 अनासिर मौजूद है। कितने अनासिर है बच्चों? 118। ठीक है, तो उन 118 अनासिर में से एक उनसुर जो था, 118 एलिमेंट में से एक जो एलिमेंट था जिसका नाम था कार्बन, कार्बन को हमने अलग कर दिया, उसके बनने वाले मुरक्कबात को एक खानदान अलग बना के दे दी कि भाई तुम्हारा खानदान अलग, तुम अलग, तुमको हमने अलग जगह दे दिए जिसका नाम है नामियाती इल्मे कीमिया। अब बचे हुए 117 उनके भी मुरक्कबात बनते हैं, जैसे कि अगर हम देखें H2O, कार्बन नजर आ रहा है आपको इसमें? नहीं भाई, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी तरह से और कौन होता है? सिर्फ H2, सिर्फ O2, इनके अंदर कहीं कार्बन है, इसी तरह से NH3, इसके अंदर कहीं कार्बन है। तो इस तरह से ये मुरक्कबात, जिन मुरक्कबात में कार्बन के अलावा दीगर अनासिर मौजूद होते हैं, उनके मुरक्कबात के बारे में और उन अनासिर के बारे में जो बातें हम देखते हैं उनको क्या कहा जाता है? गैर नामियाती। याद रहेंगी बात, एक हो गया नामियाती मतलब ऑर्गेनिक वाला, एक हो गया गैर नामियाती मतलब कौन सा? इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये दूसरी उसकी ब्रांच होगी। फिर तीसरा कौन सा है? तभी आती या फिजिकल केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री ये वो वाला पार्ट है जो कभी कभार बाल बच्चों को मुश्किल जाता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर बहुत सारा हिस्सा मैथ्स का आ रहा था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर से आ जाते हैं। ठीक है,
तो क्योंकि होता ही है कि जो बच्चे नीट का इरादा रखते हैं उनका रियाजी में मैथ्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती और उधर ज्यादा उन्हें जरूरत भी नहीं होती। लेकिन फिर होता क्या कि आप फिजिक्स के अंदर भी देखते हैं, जिस तरह से फिजिक्स में आपको बहुत सारी मरतबा न्यूमेरिकल सवालात हल करने के लिए आपका मैथ्स अच्छा होना जरूरी है, कंसेप्ट को समझने के लिए अबू बकर आपका मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ जाते हैं सवालात में, तो उनको हल करने के लिए भी मैथ्स का हमको कभी कभार सहारा लगता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम बहुत सारे यहाँ पर कुदरत के उसूल और कवानीन का मुताला करते हैं। उसूल कवानीन जिनके जरिए से केमिस्ट्री चल रही है, जैसा कि फिजिक्स के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा कि ग्रेविटी होती, कि वो न्यूटन था, उसके सर पर सेब गिरा था, फिर उसने पता चलाया कि भाई कशिश सकल है ग्रेविटी। तो बहरहाल एक लॉ उसने पता किया, उसने कानून पता किया कि उस उसूल है, और कायनात में ये कानून पाया जाता है कि जो कोई भी ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से जो चीजें हैं वो उनके दरमियान में कशिश सकल पाई जाती है, ये उसने कानून दी। तो उसी तरीके से ये जो कानून था, अलग अलग कवानीन और भी मौजूद है जिनका ताल्लुक इल्म कीमिया से हमको नजर आता है। तो वो कवानीन, वो उसूल, वो फिजिकल लॉस को यहाँ पर किसी न किसी अंदाज में हम देखने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर इसमें जो यहाँ पर हम बात करते हैं जौहर की साख के बारे में बातें आ जाती है, जौहर की साख किस तरह से है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बातें आ जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है देखेंगे हम इंशाल्लाह, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो वैसे अगर मेहनत कर किया जाए तो कोई भी चीज यहाँ पर मुश्किल नहीं है हमारे लिए, लेकिन याद रखिए कि ये तीन हमको यहाँ पर ब्रांचेस के अंदर बातों को समझना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, नामियाती, गैर नामियाती और तबियाती, या तबी इल्मी कीमिया, इस तरह से हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जरा एक नजर मार लेते हैं यहाँ पर आगे चैप्टर्स की तरफ हम, कि ये सीक्वेंस बनी हुई बहरहाल सीक्वेंस को भी आप अवॉइड करिए। ये कुल जो चैप्टर्स हमको देखना है, ये 30 असबाब, 30 चैप्टर है जो यहाँ पर हमको देखना रहेगा। खास तौर पर अभी इसके अंदर जो सीक्वेंस बनाई हुई, ये पुरानी सीक्वेंस बनाई हुई, ये इस हिसाब से बनाई हुई थी कि जो बच्चे एक ही साल के अंदर सारा उनको सिलेबस कवर करना था, तो वहां पर एक तरतीब बनाई हुई थी हमने कि किस तरह से एक तरतीब से हम यहाँ पर असबाक को देखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बस एक नजर आप देख लीजिए, अंग्रेजी उनके नाम है, उर्दू के अंदर इनके कुछ नाम सेम है, कुछ के नाम थोड़े से तब्दील हो जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से ये 30 असबाक है टोटल, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें, मैं अपने अंदाज से तो कैटेगराइज किया कि जनरल केमिस्ट्री मतलब ऐसा इल्म कीमिया के कुछ असबाक को मैं अलग रखने की कोशिश किया, जिन असबाक को समझना आगे की पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी, ठीक है। तो वो ऊपर आ गए यहाँ पर। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नामियाती इल्म कीमिया, नामियाती इल्म कीमिया इसके अंदर कुछ 4 से 13 इतने असबाक, गैर नामियाती में इतने, और फिजिकल केमिस्ट्री में बहरहाल इतने असबाक हैं जिनका हमें मुताला करना है, ठीक है। तो देखिए अभी जो है, अगर हम आपकी इस 11वीं जमात को देखें, तो 11वीं जमात के हिस्सा अव्वल का जो पहला सबक है जिसका नाम है ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब इल्म कीमिया के कुछ बुनियादी तसव्वुरात, ठीक है। ये आपके 11वीं के हिस्सा अव्वल का पहला सबक। तो इस पहले सबक से कुछ बातें इंशाल्लाह हम देखने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर पहला चैप्टर रहेगा 11 का जो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इल्मे कीमिया के कुछ बुनियादी तसव्वुरात, इसमें अगर किसी को कोई सवाल है अब तक के जो बातें हमने देखी तो आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। ऑनलाइन जो तलबा मौजूद है अपनी मौजूदगी का इजहार करवाते रहे भाई, उससे एक अंदाजा रहता है कि आप संपर्क क्षेत्र में हैं या संपर्क क्षेत्र से बाहर चले गए, ठीक है। जैसे कि कौन है अभी, जुनैद खान, सैयद अरसलान, अंसारी, आफिया, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, कोई सवाल है तो आप लोग यहीं पर जो है लिख कर बता सकते हैं।
क्लास में जो तलबा मौजूद रहते हैं उनके लिए तो तवज्जा देना आसान होती है कि बिल्कुल सामने से आई कांटेक्ट हो रहा, आप आमने सामने, ठीक है। लेकिन जो घर पर है उनकी क्या कंडीशन नहीं पता, वो लेटे हुए लेटे लेटे दिख रहे हैं या फिर खाते खाते दिख रहे हैं, तो उसके अंदर तवज्जा जाती रहती है, तो नेटवर्क वापस लाते रहिए, कनेक्टेड रहिए आपने, ठीक है। बाकी आपके लिए फायदा है कि लेक्चर रिकॉर्ड होते रहते हैं, आप बाद में लेक्चर को रिवाइंड करके भी देखते रह सकते हैं, फायदा उठाइए, ठीक है। तो चलिए हम पहले सबक से बात को शुरू करने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी तसव्वुरात, चलिए केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी तसव्वुरात, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में जो है कुछ बातें हम देखना अब शुरू कर दें। तो सबसे पहले देखिए मेरा सवाल आपसे कि केमिस्ट्री रहता क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी के अंदर आपको पता है बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते, जानदारों के बारे में, लाइफ के बारे में, बायो का मतलब ही होता है जिंदगी, लाइफ। आप क्या पढ़ते हैं भाई, इंसान कैसे है, दूसरे जानवर किस तरह से, नबातात कैसे, हैवानात कैसे, किस तरह से इनकी जिंदगी के मामलात होते हैं, ये हो गया बायोलॉजी के अंदर। फिर इसके अंदर आप कुछ फिजिकल लॉस के बारे में पढ़ेंगे, कायनात में कौन से कवानीन है जिन कवानीन के जरिए से ये चीजें चल, वो फिजिक्स का पार्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इल्मे कीमिया की, तो इल्मे कीमिया में क्या पढ़ते हैं भैया, हम क्या होता है इल्मे कीमिया, एनीवन, ये कुछ ना कुछ तो आपको अपने अल्फाज के अंदर भी अगर आप बता दें। देखिए इल्मी कीमिया के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस चीज को हमको यहाँ पर गौर करना है किसके बारे में, मादे के बारे में, किसके बारे में, मादे के बारे में, ठीक है। मादा, मादा मतलब मैटर, ठीक है। अब आप उर्दू मीडियम के तलबा इसलिए बता दूं कि थोड़ा सा फर्क है, अगर आप मादा लिखते हैं उसकी जमा मादे मतलब मैटर, तजदीद होना जरूरी है, वो मादा कर दिए तो क्या मतलब हो जाता है उसका, मादा का मतलब हो रहा था फीमेल, नर मादा सुना है ना आपने, हाँ। तो हम ये मादा को नहीं पढ़ने वाले, किसको पढ़ने वाले हम यहाँ पर, मादा को, ठीक है। मादा को कोई नहीं पढ़ सका अभी तक, सिर्फ हम किसको पढ़ सकते, थोड़ा बहुत मादा को पढ़ सकते, ठीक है। तो बहरहाल फर्क को ध्यान रखिए कि मादा और मादा, तो हम यहाँ पर जो है मादे मैटर के बारे में बहुत सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले रहेंगे। तो देखिए अब मैटर क्या होता है, मादा क्या होता है, मादा मैटर, ठीक है। क्या हम बोलते हैं अतराफ के अंदर जो कोई भी चीज है अपने अतराफ में मौजूद है, हर चीज मादे के अंदर आएंगे। जैसे कि खुद हम भी क्या है, एक मैटर है भी, मादा है। पेन मेरे हाथ के अंदर, ये क्या है, मादा है। जो मोबाइल ऑनलाइन वाले बच्चे आपके हाथ में है वो एक मादा है, ये बोर्ड आप देख रहे हैं ये मादा है। इसी तरह से जो हवा हमारे अतराफ में मौजूद है वो हवा भी मादा है, मैटर है, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, मादा क्या होता है, मादा हर उस चीज को कहा जाता है जिसकी कुछ ना कुछ कमियां हो। दो चीजें होनी चाहिए मादा बनने के लिए, क्या होना चाहिए, एक तो कमियत, और इसी तरीके से वो कोई जगह घेरती हो, क्या करती हो भाई, कोई स्पेस में, ठीक है। मादे के पास क्या होती है, कमियत होती है, और मादा जगह क्या घेरती है या घेरता है, मादा जगह घेरता है, ठीक है। तो दो बातें हैं मादे की, एक तो उसकी कमियत होगी, कमियत मतलब उसका वजन समझ लें, हालांकि कमियत और वजन दो अलग अलग इस्तेलाह हैं, आगे हम देखेंगे। उसकी कुछ ना कुछ कमियत होंगी, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, जैसा कि पेन है तराजू पे रखेंगे आप, आपको पता चले इसका कुछ मास है, कुछ ना कुछ चीजें हैं ना इसके अंदर, कुछ ना कुछ चीजें जिनको तोड़ा जा सकता, मोड़ा जा सकता, अलग अलग शेप आकार उनको दिए जा सकते, तो मतलब उसकी क्या है, कुछ ना कुछ कमियत। अच्छा गैस की भी कमियत होती है या नहीं होती,
गैस की कुछ ना कुछ वजन होता है गैस का। आसमान के देख लो, एक गुब्बारा लो जो इसके अंदर हवा नहीं भरी हुई, उसको आप गिनो कितना वजन, फिर उसके अंदर हवा भरो, फिर उसका वजन करके देखो, कुछ ना कुछ ही सही उसमें आपको इजाफा नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? हवा की वजह से वजन में उसकी इजाफा हुआ। तो मादा हर उस चीज को कहा जाएगा जिसकी कुछ ना कुछ कमियां थे, साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है। जैसा कि हवा भी जगह घेरती है या नहीं घेरती, उसको कुछ जगह चाहिए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम चाहिए, और वो फैलते होती है, जितनी जगह मिलेंगी उतना फैलते चले जाएंगे। गुब्बारे में बंद कर दिया तो उतनी जगह में, लेकिन अगर गुब्बारे में से उसको छोड़ दिया जाए, खोल दिया जाए, तो वो फिर और एक्सपांड होते चले जाएंगी, फैलते चले जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो मादा, मादे की एक तो होती है कमियां, दूसरी क्या खसूसियत है मादे की, कि मादा जगह घेरता है। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, अंग्रेजी में मादा। ठीक है, अब मादे की अगर हम देखें हालतें, मादे की हालतें आपको मालूम कितनी हालतें होती हैं मादे की? अब ये तो बहुत आसान सवाल है। हालत कितनी? हालत तीन। वेरी गुड, ठीक है, सलाम भाई जवाब दिए, तीन ऊपर किसी ने आंसर किए, तीन हालतें, नाम भी आ गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत अच्छा, ठीक है, मादे की तीन हालतें होती है। कौन कौन सी हालतें होती है भाई? पहली हालत को कहा जाता है ठोस, मतलब सॉलिड, दूसरा माय मतलब लिक्विड, माय का ही दूसरा नाम रकीक भी है, रफीक नहीं है, रकीक और ना ही शफीक, रफीक। और अगला होता है गैस हालत, दैट इज गैस। ठीक है, ठोस, माय और गैस, ये तीन हालतें हैं मादे की, मैटर की। ठीक है, अब इन तीनों भी हालतों को हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, थोड़ा सा तफसील के साथ में आगे देखते हैं। मादे की तीन हालतें, ठोस, रकीक, रकीक मतलब माय, और अगला क्या है? गैस। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं भाई तीनों भी चीजों को एक जैसे। ठोस को अगर हम देखें, कोई भी चीज जो ठोस है, मतलब ये गुलाब जामुन नहीं है, एक साथ रखेंगे, समझिए उस चीज को, कि किसी भी चीज ठोस को अगर हम अच्छे से एग्जामिन करें, हमें पता चलता है कोई भी चीज जर्रात से मिलकर बनी हुई। किससे मिलकर बनी? बहुत छोटे छोटे हजारों लाखों करोड़ों जर्रात होते हैं जो एक जगह पर आ जाएंगे और एक जगह पर आकर ये बनाएंगे, या तो ठोस को भी बनाएंगे, माए को भी बनाएंगे और गैस को भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये जर्रात यहाँ पर होते हैं। अब ठोस के जो कोई भी जर्रात हैं, इनके दरमियान में आपको नजर आएगा फासला, आगे वालों के मुकाबले में कम ही या ज्यादा है? नहीं, देखिए जर्रात बिल्कुल करीब करीब है ना, जर्रात का जो दरमियानी फासला बहुत ही ज्यादा कम है, बिल्कुल करीब है, जुड़े हुए एक दूसरे को। तो याद रखिए कि इनके जो जर्रात का दरमियानी फासला, अगर हम देखें ठोस के जो कोई भी जर्रात का दरमियानी फासला, वो कैसा है? कम फासला, कि जर्रात बिल्कुल करीब करीब रहेंगे, करीब करीब रहेंगे एक दूसरे से, इनकी बंदिशें होती, मतलब एक जर्रा दूसरा जर्रा वो एक दूसरे को अपने पास खींच लेगा, इतना खींच लेगा बिल्कुल एक दूसरे करीब करीब आ जाएंगे, इतना करीब आएंगे कि आसानी से उनको अलहदा नहीं किया जा सकता, आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा या उनको दर्जे हरारत देकर अलग करना पड़ेगा ठोस। जैसा मिसाल के तौर पर ये पेन, मान लीजिए ये सोने का पेन है, मान लीजिए है नहीं सोने का, ठीक, सोना क्या होता है? कमरे के दर्जे हरारत पर ठोस। ठीक है, अब इसके जर्रात है जो आपस में जुड़े हुए, आसानी से वो अलग अलग होते हैं क्या? क्या फूंकों से इसको उड़ाया जा सकता है, पाउडर की तरह उड़ेंगे? नहीं, क्योंकि इसके जर्रात ने आपस में एक दूसरे को बहुत मजबूती से गले लगाया हुआ है, पकड़ा हुआ है एक दूसरे को। ठीक है, तो पकड़ा होने की वजह से इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। अब अलहदा अगर करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तोड़ने तो कुछ जर्रात अलग हो गए। क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है उसका? आप उसको दर्ज हरा कर दो, अगर हम उसको गर्म करेंगे, सोना पिघलता है या नहीं पिघलता? ठीक है, कमरे के दर्ज हरारत पर तो नहीं पिघलेगा, लेकिन आगे अगर हम उसको गर्म करते रहें तो किसी ना किसी दर्ज हरारत के ऊपर वो जरूर पिघल जाएंगे। बराबर है, याद रहेगी बात?
तो इसके जर्रात के दरमियान की फासला कैसा होता है बच्चों? कम फासला, ठीक है, किसमें? जर्रात में। अब इसी तरीके से अगर हम देखें लिक्विड जो चीज, माय जो चीज है, अब इसके जर्रात के अंदर का फासला थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अगर आपको एक दीवार है जो ठोस हालत में, दीवार के आपको आर पार जाना है, कोशिश करके देख सकते हैं आप, दरवाजे से जाना पड़ेगा, दीवार से जा पा सकेंगे नहीं, तो दीवार के जर्रात आपको जगह देंगे नहीं, जाने की कोशिश करेंगे, जर्रात अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जो है स्विमिंग पूल के अंदर छलांग मारेंगे तो आप सिर्फ पानी के ऊपर नहीं रहेंगे, पानी के आप अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जर्रात हट गए, आप जर्रात के दरमियान में से आगे चले गए। क्या वजह होगी कि जो कोई भी माय हालत होती है, माय हालत के अंदर जर्रात का दरमियानी फासला ठोस से ज्यादा होता है। बात समझ आई? ठोस के जो कोई भी जर्रात है अपनी जगह के ऊपर फिक्स है, हिलते नहीं वहां पर। मतलब अगर कोई एक ठोस चीज यहाँ पर रखी हुई है तो उसके जर्रात सिर्फ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन याद रखिए वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होते रहे। हमको समझ में नहीं आता कि जो कोई भी ठोस है, मतलब इसके अंदर भी जो एटम्स है, इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जवाहरात मौजूद है, वो अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट होते रहते हैं बहुत हाई से। हमको उसका इदराक नहीं होता, हम उसका अंदाजा नहीं कर पाते। हर ठोस चीज के जर्रात में कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। तो बहरहाल लेकिन इतने कम है, इतने कम है वाइब्रेशन कि हम कह सकते हैं कि वो बस जगह पर ही बैठे हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ता। लेकिन लिक्विड अपनी जगह छोड़ता है या नहीं छोड़ता? छोड़ता है, पानी बहता है। मतलब जो कोई भी जर्रात है उसमें के पार्टिकल से वो अपनी जगह को छोड़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छोड़ते हैं क्या? मतलब आपने पानी कहीं जमीन के ऊपर गिरा दिया तो जितना पानी होगा उतना ही वो फैलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बस वो फैलता ही चला जा रहा है, नहीं, कितना भी नहीं फैलेगा, जितना पानी की हैसियत है, जितना उसकी मकदार है ये, कि अगर गिलास के अंदर आपने पानी रखा है तो ऐसा नहीं होगा पानी गिलास में से निकल कर खुद बहुत उड़ने लग गया, कमरे के अंदर फैल गया, ऐसा होता है नहीं। इसका मतलब वो पार्टिकल्स, अगर आप गिलास को हिलाएंगे तो वो भी हरकत करेंगे, लेकिन आपने अगर उसको हालत सुकून के अंदर रख दिया है तो माए हालत में उसके जो जर्रात है वो जर्रात जो के तू अपनी उसी जगह पर बाकी रहेंगे, ठीक है, ये बात होगी। अब आ जाते हैं तीसरी हालत की तरफ जो कि क्या है? गैस। अब गैस के ऊपर आप देखिए कि यहाँ पर ही जो एक कंटेनर है फ्लास्क, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कॉर्क, ढक्कन लगाना पड़ा अपने। क्यों लगाना पड़ा ढक्कन गैस को? गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब गैस के जर्रात के दरमियान इस कदर ज्यादा फासला है कि वो एक जगह के ऊपर बैठे हुए नहीं रह सकते, वो फौरन क्या करते? फैलने की कोशिश करते हैं, इतना फैलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। दरमियानी फासला इनके दरमियान में इतना ज्यादा होता है कि अगर हम क्या करें, ढक्कन को निकाल देंगे तो गैस के जर्रात इसमें से निकलकर सारे कमरे में फैल जाएंगे, बराबर। तो यही चीज है दोनों के दरमियान के अंदर, अगर हम बात देखें तीनों के दरमियान में, वो ये कि इनके जर्रात का जो दरमियानी फासला होता है उसके अंदर फर्क है। ठोस का फासला कैसा रहेगा? कम। माय का दरमियानी फासला जर्रात का ज्यादा, और गैस के जर्रात का दरमियानी फैसला फासला इन तमाम में सबसे ज्यादा। बात ध्यान में रहेंगी, एक बात तो ये होगी। फिर एक और बात ध्यान में रखिए इनके ताल्लुक से, इसको समझ लेते हैं इंटरेस्टिंग चीज, कि ठोस अशिया का हजम और शक्ल मुकर्रर होती है, फिक्स होती है। जो कोई भी ठोस चीज है, इसका मतलब समझिए कि अगर एक ठोस चीज है, अगेन मेरे हाथ में पेन है इसीलिए पेन की मिसाल बाद में दे रहा हूं, ये पेन, ये ठोस हालत में, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसकी दो चीजें फिक्स है, मुकर्रर है हमेशा। एक उसका हजम, हजम मतलब क्या होता है? उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये जगह कितनी घेर रहा, मतलब ये पेन इतनी जगह घेरेगा जितना उसका साइज है, इससे ज्यादा जगह घेरेगा क्यों? मतलब अगर मैं उसको कहीं रख दूं, किसी जगह पर मैं रख दूं, तो उसका साइज कभी बढ़ेगा नहीं, कभी कम नहीं होगा, जब तक के कोई बाहर की फोर्स आकर इसके शेप को चेंज ना कर दे, ठीक है, अब तक टूटता नहीं है, कोई और चीज उसके साथ नहीं की जाती, इसका जो है हजम बढ़ने वाला नहीं। मतलब हजम हमेशा 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 कैसा रहेगा? उसका फिक्स रहेगा, ठीक है, मतलब इसका हजम फिक्स,
साथ ही साथ शकल, शकल मतलब उसका शेप, ये भी फिक्स रहेगा, मतलब किसी जगह पर ये अगेन रखा हुआ है तो जब तक कि कोई इसका शेप ना बदल दे, शेप चेंज नहीं होगा। अगर रखा हुआ है कोई उसको छूता नहीं तो कयामत तक कि इसका शेप ऐसे ही रहने वाला है। बात समझ आ रही? तो इसका शेप भी फिक्स है और साथ साथ इसका हजम भी फिक्स है। जितनी भी ठोस चीजें होती, तो याद रखी जो कोई भी सॉलिड है, ठीक है, उसका अगर हम वॉल्यूम देखे, अच्छे से लिख लेता हूँ, सॉलिड मतलब ठोस, उसकी दो चीजों के बारे में हमको बात देखनी है, एक वॉल्यूम और दूसरा उसका शेप, ये दो चीजें देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर वॉल्यूम कैसा है इसका, फिक्स, शेप भी कैसा है इसका, फिक्स, ना उसका वॉल्यूम में तब्दीली होती है ना उसके शेप में तब्दील होती है, बराबर। जर्रा तो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे इसलिए वॉल्यूम फिक्स है, और जर्रा जगह नहीं छोड़ रहे इसीलिए उसका शेप भी फिक्स है। क्लियर होगी बात? यह था पहला नुकता। अब दूसरी चीज, सॉलिड के बाद में किसकी बारी होती है बच्चों? लिक्विड को हम देख लेते हैं, मिसाल से समझ लेते हैं लिक्विड के ताल्लुक से भी। लिक्विड मिसाल से समझे, आप दूध डेयरी के ऊपर गए कहीं, और दूध डेयरी के ऊपर जाकर आपने दुकानदार से 1 लीटर दूध मांगा। अब वो क्या करेंगे, उसके पास में 1 लीटर का कोई बर्तन होता है, वो दूध के अंदर उसको डालेगा। अब उसके जो बर्तन होता है उसके अंदर कितना दूध आ गया है, 1 लीटर। अभी दूध का जो आकार है, शेप है, कितना है जैसा उसका बर्तन, फिर वो क्या करेंगे, उसको किसी कैरी बैग में डालकर कैरी बैग को बंद कर देंगे। अब दूध का आकार, उसका जो शेप था लिक्विड का, चेंज हो गया, कैस शेप के अंदर वो आ गया, उस शेप में आ गया जो उसके कैरी बैग का शेप है। फिर आप जो उसको घर पर लेकर आए, आपने किसी बर्तन के अंदर किसी भगोने में उसको निकाला, अब दूध ने कैसा शेप ले लिया, भगोने का शेप ले लिया, ठीक है। फिर आपने उसको ग्लास में या जग में निकाल लिया, तो फिर दूध ने कैसा शेप ले लिया, जो जग का शेप था। तो दो चीजें पता चली कि जो कोई भी चीजें लिक्विड होती हैं उसका शेप मुस्तकिल हो सकता है क्या? नहीं। आप जिस बर्तन में उसको डालेंगे वो उस बर्तन के शेप में आ जाएगा, तो इसका मतलब एक चीज तो उसकी बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, क्या उसका शेप, ये क्या है उसका नॉट फिक्स, मुस्तकिल नहीं रहेगा, तब्दील होता रहेगा बर्तन के हिसाब से, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, ये उसका मामला होगा। अब दूसरी चीज, उसका हजम अगर हम देखें, जब दूध डेयरी वाले ने निकाला था तो वो तो 1 लीटर था, कैरी बैग में भी 1 लीटर है, भगोने में भी 1 लीटर है, नीचे फेंक दे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर से बदलेगा क्या वो, नहीं। इसका मतलब वो जो जगह घेर रहा था वो जगह उतनी ही रहने वाली, तो उसका हजम जो का तू रहेगा, इसका मतलब उसका क्या फिक्स है, वॉल्यूम मतलब हजम उसका फिक्स, और क्या चीज उसकी फिक्स नहीं है, शेप, ठीक है, बात समझ आ गई। वॉल्यूम शेप दो चीजें हम देख रहे, सॉलिड की दोनों फिक्स, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स, लेकिन शेप उसका नॉट फिक्स। अब आ जाते हैं अगली और आखिरी चीज, आखिरी नुक्ता समझ लेते हैं आज के लिए, गैस के ताल्लुक। गैस अपने पास लाड़ से उसको गैस बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, गैस, गैस के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं, ठीक है। तो गैस अगर हम देखें, दोनों जो भी चीजें देखें, वॉल्यूम, अच्छा नहीं रहने दो, गैस के बारे में अगर हम देखें, जैसा गैस कोई गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आपने क्या किया, मुंह से हवा भर दी, अब हवा जो थी गुब्बारे के अंदर आ गई, अब हवा का जो शेप हो गया, गैस का जो शेप हो गया, वही शेप हो गया जो गुब्बारे का है। गुब्बारा अगर वो लंबा वाला रहा तो हवा का भी शेप ऐसा हो गया, वो गोल वाला रहा तो हवा का भी शेप ऐसा हो गया, दिल वाला रहा तो हवा का भी शेप वैसा हो गया, गुब्बारे का जैसी शक्ल। इसका मतलब एक चीज तो पक्की है, गैस की कोई शक्ल हो सकती है क्या, कोई शेप हो सकता है क्या, नहीं। तो चलिए शेप उसका नॉट फिक्स लिख लिया भाई, ये बात तो बिल्कुल पक्की पक्की अपने को मालूम होगी। अब देख लेते हैं वॉल्यूम के ताल्लुक से, उसका हजम, गुब्बारे को आप खोल दी, खोलने के बाद में जैसा अगर गुब्बारा गोल था तो हवा गोल उसी शक्ल में वही मौजूद होंगी, नहीं, क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ठीक है, सारी जगह पर फैल जाएंगी, मतलब वॉल्यूम भी उसका पूरा फैलता चले जाएगा, मतलब वॉल्यूम उसका फिक्स ये भी नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, कोई भी चीज उसकी मुकर्रर नहीं। तो देखिए, ठोस अशिया का हजम और शक्ल मुकर्रर होती है,
रखीक अशिया का हजम तो मुकर्रर है, हजम मतलब वॉल्यूम तो मुकर्रर होता है लेकिन शक्ल मुकर्रर नहीं होती। देख लिया हमने शक्ल मुकर्रर नहीं है लेकिन हजम मुकर्रर है। ये इस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है, ठीक है, जो हमने मिसाल से उसको समझा, ठीक है। और गैसों का ना तो हजम मुकर्रर होता है ना ही शक्ल मुकर्रर होती है, ये पूरी तरह इस बर्तन में फैल जाते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। किस तरह से? पूरी तरह, मतलब अगर आप क्या करेंगे, पानी अगर ले गिलास में तो वो नीचे बैठ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन गिलास पूरी तरीके से उसको, गैस पूरी तरीके से उसको भर देंगी। बात समझ आ रही? मतलब अगर ये गिलास है, इसके अंदर कोई आपने लिक्विड ऐड किया तो लिक्विड कैसा होगा? उतना जितना आपने उसके डाला है। लेकिन अगर हम क्या करें, उसमें कोई गैस को भरे, ऊपर ढक्कन लगा दे, तो गैस कितनी मिकदार क्यों ना हो, थोड़ी सी मिकदार हो या पूरी मिकदार हो, गैस पूरे गिलास में फैल जाएंगी, ठीक है। कम तेदाद के अंदर जर्रात है तब भी फैलेंगे, बहुत सारी तेदाद के अंदर है तब भी वो वहीं फैलेंगे, और ज्यादा और फैलते चले जाएंगे, ठीक है। कोल्डिंग वगैरह के अंदर भी जो हम देखते हैं, गैस को प्रेशराइज करके अंदर भरा जाता है तो वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बात इसके ताल्लुक से ये हो गई, बाकी की और कुछ बातें हैं इंशाल्लाह उनको हम अगले लेक्चर में, आइंदा के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे कि मादे की मुख्तलिफ हालतों को किस तरह से तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। तो आज बिल्कुल देखिए, हमने बुनियादी बुनियादी सी ही बातें आज अभी के लेक्चर के अंदर देखी, बाकी की बातें और इसके अंदर आएंगी। उसके साथ साथ में हमारी कोशिश रहेंगी सवालात भी साथ ही साथ हम देखते रहें, सवालात की मदद से जब स्टडी करेंगे तो और कंसेप्ट मजीद मजबूत होते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम बात खत्म करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। डाउट सर? एनी डाउट? नॉट डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी बात को रोकते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।